हाय फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपको अराल्डो ऑडियो के यूएचएफ माइक के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये यूएचएफ माइक है और ये अराल्डो ऑडियो का यूएचएफ माइक, जिसका मॉडल नंबर 8099B2H, यानी के डबल हैंड का ये माइक। ये टू हैंड का माइक है यूएचएफ, और इसकी जो जो आप उसकी बात करें तो अराल्डो ऑडियो इसका ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अराल्डो ऑडियो लिखा हुआ है, ये इसका मॉडल नंबर है। और बात करें इसकी तो ये बॉक्स आप देख सकते हैं, ये प्योर आप देख सकते हैं किस चीज़ का बना हुआ है, ये सिल्वर का, ये पूरा चारों तरफ से इसका बना हुआ है, बनावट है इसकी। और हर बार आपको मैं बेर बेर बताता हूँ कि खास तौर पे जो चीज़ अराल्डो ऑडियो की है उस पे अराल्डो ऑडियो लिखा हुआ आपको मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके हैंडल की, तो आप देखिए इसका हैंडल कितना बढ़िया है, पकड़ने लायक है। और इसका लॉक भी आप देख सकते हैं, लॉक कितना बढ़िया है इसका, आप पुश करेंगे तो खुल जाएगा और ये बंद हो जाएगा। और फिनिशिंग की बात करें तो आप फिनिशिंग देख सकते हैं चारों तरफ से, कितनी बढ़िया फिनिशिंग है इसकी। इसमें आपके इसको स्टैंड करने के लिए चार ये आपको होल भी दे रखे हैं रोकने के लिए। अब मैं इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, क्या क्या इसके अंदर है, क्या क्या इसके अंदर नहीं है, क्या चीज़ है और क्या इसकी क्वालिटी है। टेस्ट भी कराऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में, लेकिन फिलहाल अभी आपको हम इसे अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। अब मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको अनबॉक्सिंग करके। ये मैंने अनबॉक्सिंग करी इसकी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये पैक हुआ हुआ है। थर्माकोल ऊपर भी है, नीचे भी है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि इस अराल्डो ऑडियो में एक कैटलॉग निकलती है, जिससे हम इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना, सब इसके अंदर लिखा हुआ होता है। आप देख सकते हैं हर चीज़ इसके अंदर है। अब बात करते हैं इसके रिसीवर की। ये मैं इसका रिसीवर बाहर निकालता हूँ। ये आप देखिए, ये अराल्डो ऑडियो का रिसीवर है, जिसका मॉडल नंबर है 8099। और इसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि ये डिजिटल है, और 1000 इसकी फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं आप। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप देख सकते हैं ये दो वॉल्यूम लगे हुए हैं, ये गेन के लिए, कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम होते हैं। आप फ्रीक्वेंसी यहाँ से सेट कर सकते हैं अप डाउन, और ये आपका पावर बटन है। और वेट की बात करें, वेट भी ठीक है इसका, आप फिनिशिंग देख सकते हैं इसके ऊपर आप। और अब बैक साइड की बात करें तो ये एंटीने के लिए आप देख सकते हैं, दो इसके एंटीने हैं, ये DC इनपुट है, ये XLR आउटपुट लगाने के लिए है आपको। अगर आपके पास XLR नहीं है तो आप P38 जैक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ, और उससे पहले इसके जो मैं अब इसको इसके माइक के बारे में आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर ये थर्माकोल है, अब इस थर्माकोल को हम यहाँ से ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। इसके ऊपर एक थर्माकोल थी, फिर उसके नीचे एक ये थर्माकोल है। अब बात करते हैं इसके जो सामान है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इसका एरियल है, एंटीना। ये इसका ऑपरेटर अबडक्टर है, जो इसको AC से DC वोल्ट देगा। ये इसकी लीड है, जो आपको मिक्सर से और रिसीवर में लगानी है। देखिए आप, ये एलंकी है, ये एलंकी माइक खोलने के लिए यूज़ करी जाती है।
ये इसका स्टैंड है रिसीवर का, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको चार बैटरी भी मिलेगी जो 1.5 वोल्ट की बैटरी है। अब बात करते हैं इसके माइक की, तो आप देखिए ये जो माइक है ये डिजिटल माइक है। आप देखो इसकी फिनिशिंग भी देखिए आप, कितनी बढ़िया है और शानदार है। इसको यहाँ से खोला जाता है, खोल के फिर यहाँ से आपको दो जो बैटरी है वो इसके अंदर लगती है, जो कि एक बैटरी 1.5 वोल्ट की है। अब हम इसको अगली वीडियो में आपको टेस्ट करा के दिखाएंगे, क्योंकि और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, इसकी जो मैंने शुरू में भी बताया था आपको, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 100 मीटर की इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो 100 मीटर पे ये यूज़ हो सकता है UHF, और इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया, आउटपुट इसकी 20 मीटर तक आएगी। और मैं तो ये आपसे कहता हूँ एक बार आप यूज़ करके देखिए, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगी कि क्या माइक है क्या नहीं है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नई नई वीडियो नई नई चीज़ आपको दिखाता रहूं। जय हिंद।